Bravo! देखा हो गया ना आज भी अंधेरा। भैया मैंने सुना है ये सूरज या अंधेरा करके सीधा अमेरिका चले जाते हैं, क्या ये सच है? जा उसी को जाके पूछ सच झूठ है ना बे। ए सोमा जरा तेज झुला उसे। ए प्रहलाद खाने दे उसे। यदि गाय के लिए कल बिस्कुट रखे ना तो तेरे लिए भी ला दूंगी। माँ लाली शेर की गाय बिस्कुट खाती है? ए सोमा कोड़ी जरा जोर दिया लाइन है। तू पढ़ता ही रहेगा या चाय भी खत्म करेगा? पता नहीं दिन भर क्या सोचता रहता है। बा अब सबके लिए जी रहे हो मगर मैं किसके लिए जी रहा हूं? है बा कौन है? तेरे बापू ने पूछ। नरेंद्र टेशन क्यों नहीं आया? बा पापा को कहो ना मुझे नरेंद्र नहीं नरेंद्र बोला करे। नरेंद्र नाम कितलू हारू छे ने बा। अरे आग तेज करो जरा पूरे घर में धुआं धुआं हुआ है। कितनी बार कहा है कि सूखी लकड़ियां लाया करो, गीली लकड़ियां वजन में भी भारी होती है। हाँ हाँ लाऊंगा। सोम आ टाइम है साइकिल ना चलाए। अमित तू केटलिया दो डाल। पापा हाँ एक सवाल पूछूं? बिल्कुल नहीं, मुझे हिसाब करना है। तुझे कितनी बार कहा है जो कुछ पूछना है वो गुरुजी को पूछा कर, सही जवाब मिलेगा, समझा? गुरुजी मैं जानना चाहता था कि आप किसके लिए जीते हो? मैं समझा नहीं। यह किताब में स्वामी जी कहते हैं कि बस वही जीते हैं जो दूसरों के लिए जीते हैं, इसलिए मैंने आपसे पूछा कि आप किसके लिए जीते हो। क्या मैंने कुछ गलत सवाल पूछ लिया? नहीं बिल्कुल नहीं। नरू एक बात बता, भगत सिंह सुखदेव राजगुरु इन महापुरुषों ने क्या किया? उन्होंने हमारे देश की आजादी के जंग में अपने प्राणों की आहुति दी थी। बिल्कुल सही। इसका मतलब वो खुद के लिए नहीं देश के लिए जिए, इसीलिए आज भी हम उन्हें याद करते हैं। वो हमारे बीच नहीं है, वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनका अद्भुत कार्य आज भी हमारे दिलों में जिंदा है। जिंदा है ना? जाओ चलो बच्चों हाजिरी दो। बच्चू सतवारा हाजिर साहब। सामर प्रजापति हाजिर। गनी मंसूर हाजिर। गनी कॉलोनी शेखर। सुधीर जोशी हाजर। हरीश सोलंकी नरू
क्या खवाई गई हो? जवाब मड़ी गई हो ने? अच्छा सुन, हरीश की माँ मिलेगी स्टेशन पर, उससे कहना कल गुरुजी ने बुलाया है स्कूल में मिलने के लिए। बोलेगा ना? चाय। आप किसके लिए जीते हो? आप किसके लिए जीते हो? जा जाकर नाम घटेगा। ऋषि माँ, कल गुरुजी ने स्कूल में मिलने बुलाया है। ए, ये भी तुझे ओछे ओछे चिढ़ाता है क्या? नर्मदा, तू इसको स्कूल क्यों नहीं भेजती? भाई साहब, ये बोझ मेरे माथे छोड़ के वो तो चला गया, अब इनको दो वक्त का खिलाऊं कि स्कूल भेजू? ना ना, ये नरू कह रहा था कि इसका दिमाग स्कूल में बहुत अच्छा चलता है, चार किताब पढ़ लेगा तो स्टेशन पे गंदगी साफ नहीं करनी पड़ेगी ना इसको। बात 100% नहीं, पढ़ाई में तो अच्छा है ये। अभी आप ही बताओ भाई साहब, हैं? कौन सी माँ चाहेगी कि उसका लड़का संडास साफ करे? इसके पास ऐसी वर्दी नहीं है, इसीलिए मास्टर जी स्कूल में बैठने नहीं देते। वर्दी ला पाई तो जाएगा स्कूल, नहीं तो जो कर रहा वही करता रहेगा। इसकी भी चार दिन से दवा लानी है। जाओ सु, संडास पे पानी डाला है। ए, हेलो रे, चलो। हरीश और हरीश की बहन को मुफ्त में चाय पिलाते हो ना? केटली संभाल, दूध छे मां। चल अबे। बापू, आप इसके लिए जीते हो? सुखी है। मरु, लालटेन बनकर वापस सुबह ही तेल भरा है। भैया, ये लालटेन हमारे लिए जी रहा है। उसको जीने दे, तू सो जा।
10 रुपए दे। सोलंकी है नरू, हरीश की माँ को कल बताया नहीं? गुरुजी बताया था मगर उसके पास ऐसी गणवेश नहीं है। ठीक है ठीक है, बैठ जाओ। गौरंग हाजर, चंदुमनियार हाजर, शिवलाल पटेल हाजर, मानचंद दास हाजर। गुरुजी नरु मोदी ध्यान क्या छे थारू? हाजिर गुरुजी। गुरुजी, हरीश की माँ के पास पैसे नहीं है तो क्या वो बिना गणवेश के हमारे साथ पढ़ नहीं सकता? नरो, गणवेश का मतलब सिर्फ कपड़ा नहीं होता है, वो एक तरह का अनुशासन है। और अनुशासन छोटा बड़ा नहीं होता है, अनुशासन सिर्फ अनुशासन होता है। आज हमें ये जो छोटा सा दाग दिखता है ना, ये बड़ा होने के बाद धब्बा बन जाता है। और मैं नहीं चाहता हूं कि हरीश का जीवन धब्बा बने। Thank you.
ये नाटक का नाम है पीला फूल। भाइयों पर्दो खोलो। उसका भगवान होता है, है? मंदिर में जाके वो पीला फूल होता है जो भगवान पे चढ़ाते, उसको प्रसाद समझ के लिया और इसके माथे में लगा। देख तेरी ये छुटकी है ना, चुटकी में खेलती हो जाएगी। हाँ सच सच कह रहे हो? तो मैं तेरे को खोटा लगता हूँ। माँ माँ मैं अभी जाता हूँ और वो पीले फूलों का प्रसाद ले आता हूँ। माँ माँ मेरी बहन को बहुत बुखार है, मुझे उसके लिए एक पीला फूल चाहिए। भगवान अपना प्रसाद तुम जैसे लोगों को नहीं देता। चल निकल यहाँ से। ओछा कहीं का? नहीं नहीं, मैं छोटी जात का हूँ तो इसमें मेरी गलती क्या? गंदे नाली के कीड़े, तुझे पता भी है तू किससे सवाल लड़ा रहा है? नहीं, अगर मुझे पीला फूल नहीं मिला तो मेरी बहन मर जाएगी। मर जाएगी, मर जाएगी। भाई वो प्रश्न हो गया, तुम सब देख क्या रहे हो? मारो मारो। Oh, my God.
सामर प्रजापति गनी मंसूर गनी हरे सोलंकी। 8 हफ्ता हो गया, लगता है लड़का पढ़ाई छोड़ देगा। Thank you.
हैं।